हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से निकली रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर E2 लेवल पर असिस्टेंट इंजीनियर एजुकेटिव ट्रेनी मैकेनिकल के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। फ्रेंड्स, इस भर्ती डिटेल के बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, आपकी एज, सिलेक्शन प्रोसेस, आवेदन कैसे करना, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएँगे। बने रहे हमारी वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलो फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीदवार 25 जून 2021 तक HPPSC की आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से MPP और पावर डिपार्टमेंट के कुल 6 पदों की भर्ती की जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में। आगे पोस्ट डिटेल की बात करें तो जिस डिपार्टमेंट में ये रिक्वायरमेंट निकली है उसका नाम है HPPCL और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर एजुकेटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल। और नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो यहाँ 6 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 4 है, स्टूल कास्ट के लिए 1 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 है और चयनित उम्मीदवारों को 16,650 से 39,100 रुपये पे स्केल का वेतन दिया जाएगा। वेतन के अलावा 58,000 रुपये इस पर ग्रेड पे भी मिलेगा। सेंसियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, M.Tech मैकेनिकल, हाइड्रो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। हालांकि SC/ST और HPCL के इंटरनल कैंडिडेट के लिए 5% की इसमें छूट दी गई है। आगे बात करते हैं एज की, आयु सीमा की, तो इसके लिए इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए आयु में छूट हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार होगी। आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की, तो इसके लिए जनरल कैटेगरी और इकोनॉमिकल बिकर सेक्शन की 400 रुपये की फीस रहेगी और SC/ST OBC के लिए इसमें 100 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। एक्स सर्विस मैन और महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 0 रहेगा। करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स एग्जाम्स और पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पर किया जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। फ्रेंड्स, उम्मीदवार 25 जून 2021 तक HPPSC की आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।